अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो बी एस जोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर। इस फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जितनी भी आपको मालूमात एज ए न्यू स्टूडेंट आपको चाहिए होंगी इंशाल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे। और इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो हमारे इस तरह हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ है या कहीं गलती से फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है, क्योंकि बगैर कोर्स सिलेक्शन के तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अगले सेमेस्टर में। और उसके बाद अगला है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो वीयू में फर्स्ट होगा वैसे तो फिफ्थ होगा, उसमें कितने आपने सब्जेक्ट लेने हैं, वीडियो लेसन्स किस तरह देखने हैं, हैंड आउट्स किस तरह आपने डाउनलोड करने हैं, जो किताबें होती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आपके सिलेबस की हैंड आउट्स और बुक्स, अटेंडेंस का मेथड किस तरह यहाँ पे होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, आपको सिलेबस बताऊंगा, असाइनमेंट और क्वीज, और उसके बाद फिर एग्जाम्स का पैटर्न आपके साथ शेयर होगा इस वीडियो में, और इसके साथ ही लास्ट में ग्रेडिंग स्कीम भी आपके साथ शेयर करूंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बी एस जूलॉजी के हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब होगा तो फिर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो जाएगा। बगैर सब्सक्राइब किए हुए आप वीडियो तो देख लेते हैं, आपके सामने आ जाती है, लेकिन अगर इसी चैनल पे मजीद कोई काम की वीडियो आपके लिए शेयर की जाए तो फिर वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले वीडियो में जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले कि बी एस जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर है या फर्स्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS आपके पास ID और पासवर्ड आ चुका है, आपने उसको एक्टिवेट भी कर लिया है। अगर अभी तक आपने LMS को एक्टिवेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं किया, तो फिर आप हमारे इसी चैनल के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है हमारी हाउ टू एक्टिवेट योर LMS, और आप इसको देख के बड़ी आसानी के साथ अपना LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना LMS एक्टिवेट करना है और ID और पासवर्ड लगा के अपने LMS को ओपन कर लेना है। तो आप ID और पासवर्ड लगाने के बाद जब एंटर करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, और आपने यहाँ पे बैक बटन पे ऊपर जाना है मोबाइल के ऊपर, यहाँ से आपको ना हाफ स्क्रीन नजर आती है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे क्लिक कर रहा हूँ, तो इतनी सी स्क्रीन आपके साथ होती है, ये वाला पोर्शन नजर नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इस साइड पे स्क्रॉल करना है तो ये पोर्शन भी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से बैक बटन पे क्लिक करें, और जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले कि आपका जो जूलॉजी है एडमिशन जो आपने लिया है क्या वो फिफ्थ में है या फर्स्ट में, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि आपने अपने LMS में जाना है और अपनी देखना है माई स्टडी स्कीम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। माई स्टडी स्कीम को क्लिक करेंगे तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको सब्जेक्ट आपके 8 सेमेस्टर यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, लेकिन जो देखने वाली चीज है वो इनके लास्ट में जो उसका स्टेटस लिखा हुआ है वो एग्जेम्प्टेड या पेंडिंग है। अगर तो सारे पेंडिंग है तो फिर आपका एडमिशन फर्स्ट में है और आपको एग्जेम्प्शन नहीं मिली, और अगर आपके सामने यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है बहुत सारे सब्जेक्ट के सामने, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब्जेक्ट के करीब जो है उनके एग्जेम्प्टेड है और जो पेंडिंग है वो इन्होंने पढ़ने हैं। तो इससे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये फिफ्थ में है या फर्स्ट में है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में है, एग्जेम्प्शन के साथ है, जिसे एंट्री रूट ऑप्शन भी कहा जाता है। तो अब जरा वापस होम पेज के ऊपर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कोर्स सिलेक्शन का, कोर्स सिलेक्शन फिफ्थ सेमेस्टर वाले लाजमी करते हैं, अगर वो लाजमी नहीं करेंगे तो फिर उनके होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जस्ट 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये तो कंपलसरी होता है VU001 और इसके साथ ये CS101 एक आ रहा है, तो अगर वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये एक सब्जेक्ट वो पूरे सेमेस्टर में लेके जाएंगे और बिला वजह सेमेस्टर एक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रॉपर क्रेडिट आवर लेने थे वो तो लिए नहीं और सिर्फ 3 क्रेडिट आवर के साथ आप पूरा सेमेस्टर कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपका एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा बिला वजह बढ़ गया ना कोर्स सिलेक्शन करने की वजह से। तो ये जो 001 है तो ये कंपलसरी होता है, इसका एग्जाम वगैरह होता नहीं है। इसकी जो वीडियोज है ना वो आपने देखनी है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ आगे चल के, तो वीडियो देखना है तो ये सब्जेक्ट पास हो जाता है। अब जो हमारा अगला है कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कोर्स सिलेक्शन के लिए यहाँ पे देखें कि नोटिस चल रहा है कि मई 5, 2023 तक आप लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की,
यहाँ तक आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के लिए आपने इस मेन्यू में लास्ट में थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है कोर्स सिलेक्शन, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह आपकी स्क्रीन के सामने, और फिर यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं ये जो आपने पढ़ने हैं। तो आपने क्या करना है कि जो जितने भी ये पेंडिंग सब्जेक्ट हैं उनमें से ना सीक्वेंस के साथ आपने क्या करना है कि इस तरह उनके जो है ना वो उनको स्टेटस एक्शन में, जब ग्रीन का मतलब होता है कि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, और फिर एक और कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ये टोटल बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 6 नहीं है, ये जो ये 001 है ये जस्ट देखने के लिए है, इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते, तो आप इसको काउंट नहीं करना, इसके अलावा आपने देखना है। तो 5 सब्जेक्ट हैं, बाकी हम जो स्टूडेंट है उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो खुद कर लेंगे। तो यहाँ से हम सेव सिलेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे क्लिक हियर टू लोड, और यहाँ देखें जब हमने LMS ओपन किया था तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट थे और अब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरह ये कोर्स सिलेक्शन होती है, और ये हमारा टॉपिक था कि कोर्स सिलेक्शन भी किस तरह करनी है वो मैंने आपको कर दिखाई। अगला जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि ये VU में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फिर आपने सब्जेक्ट कितने लेने हैं, तो ये जब आप कितने ले सकते हैं मिनिमम वो आपकी मर्जी है। जैसे ही काम करेंगे फिर आपका सेमेस्टर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर है वो तो कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट इसी तरह होंगे जब आप उसको पास आउट करेंगे। तो कितने मैक्सिमम ले सकते हैं वो कोर्स सिलेक्शन वाला पेज आपको बता देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21, इसका मतलब है कि अगर 7 सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएं तो वो 7 भी स्टूडेंट कर सकते हैं, मिनिमम 2 से 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो मेन जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट होती है वो यहाँ पे लिखी होती है, 1 बुक के होते हैं 3 क्रेडिट आवर। तो इस तरह अगर आप 7 रखेंगे तो आपके 21 क्रेडिट आवर पूरे हो जाएंगे। तो ये था जो हमारा अगला टॉपिक के फर्स्ट सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आ जाए जरा वीडियो लेसन के ऊपर, होम पे चलते हैं। वीडियो लेसन किस तरह देखने हैं आपने, सबसे पहले जिस भी वीडियो को देखना है आपने, जिस भी सब्जेक्ट को, उसके नाम को क्लिक करेंगे। आपने नाम को क्लिक करना है इस तरह, जैसे ही नाम को क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, और बाज़ूकात ये इंटरनेट स्लो की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आपने उसको परेशान नहीं होना उसकी वजह से, तो ये ओपन हो जाता है। अब हमने देखनी है वीडियो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम हमारे सामने करंट जो वीक है वो वीक 1 नजर आ रहा है। वैसे अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करें तो ये जो सारे सारे लेसन है ना ये वीक 1 के हैं, टोटल 11 लेसन। फिर उसके बाद वीक 2 है, टोटल 15 वीक होते हैं, 16 वीक, 15 या 16 वीक। और यहाँ पे बिल्कुल एक लास्ट में लिखा है द ग्रीन टिक शोज दैट यू हैव स्टडीज द सेट लेसन टॉपिक। तो यहाँ पे ये जो वीडियोस है ना यहाँ पे इसको गौर से देखें, 1 लिखा है, उसके बाद डैश है यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कोई इस तरह का ग्रीन टिक जैसे यहाँ पे नीचे बताया हुआ है वो नहीं लगा हुआ। तो उस ग्रीन टिक को किस तरह देखना है आपने, किस तरह लगाना है, जैसे ही आप वीडियोस को ओपन करेंगे एक चीज यहाँ पे, और के इस वीडियो का जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। और यहाँ पे अगर माउस लेके आए तो माउस की शेप और तरह से हो जाती है, यानी कि वो क्लिकेबल है। यहाँ पे आ जाए तो माउस की शेप चेंज हो जाती है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेसन ओपन नहीं है। ओपन नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक ओपन नहीं किया, यूनिवर्सिटी ने कर दिया है, आपने अभी तक पिछला लेसन कम्प्लीट नहीं किया। जब आप पिछला लेसन कम्प्लीट कर लेंगे तो फिर आप अगले लेसन के ऊपर जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। इस इंतजार में ना बैठे रहिएगा कि अभी तो उसका कोई लेसन ओपन नहीं हुआ, तो ये लेसन ओपन भी आपने खुद करने हैं देखने के बाद। यूनिट ऑफ लाइफ लेसन नंबर 1 है, इसको क्लिक करते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ मॉड्यूल्स, अच्छा जी, जब हमने यूनिट ऑफ लाइफ को ओपन किया तो हमारे सामने एक वीडियो ओपन हो गई है, और ये वीडियो है हमारे फर्स्ट लेसन की यूनिट ऑफ। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है BIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइनफॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे जरा आते हैं, यहाँ पे लिखा है लेसन 1 यूनिट ऑफ लाइफ, और इस तरफ के कुछ बटन लगे हुए हैं, ये बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, और ये फंक्शन, यानी इनको डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो लेसन है उसकी वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। नीचे आ जाएं, लिखा हुआ है नोट, यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको 3 टैब नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। वीडियो के ऊपर माउस की जो और तरह की है, बाकियों के ऊपर और तरह की, इसका मतलब है कि ये दोनों टैब जो है ना वो केबल अभी रेगुलेटेड, यानी इसको अभी देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने वीडियो को कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या है, इस तरफ बिल्कुल आ जाएं तो नॉट व्यूड आ रहा है,
आर यानी इसके एक्सपोर्टेड ऊपर व्यू आउट. डालना चाहिए, ये ग्रीन हो जाना दिस चाहिए. स्ट्रक्चर डजंट अब जरा आइसोलेट द वीडियो सेल, में बिल्कुल नीचे आ जाएं. बेसिकली यहाँ पे टाइम है, टोटल जो वीडियो है हमारी वो 5 मिनट और 47 सेकंड की है, और उसके बाद लिखा है कि मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी लिविंग इन एन एनवायरनमेंट एंड दे हैव टू 25% अगर टोटल टाइम का देख लेते हैं तो ये वीडियो which is enclosing the other parts of the cell, have ability to select what can enter the cell. अब यहाँ पे है YouTube. ये वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन YouTube के ऊपर वीडियो देखने से ये ग्रीन नहीं आएगा, इसलिए आपको LMS के अंदर से ही देखना है. अब ऊपर आ जाएं, वीडियोस के बाद जो सेकंड टैब है वो भी कंप्लीट हो चुका है. पहले इस तरह की शेप थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया. यहाँ पे टाइम है, जस्ट 2 सेकंड के बाद ये भी कंप्लीट हो जाता है. और फिर उसके बाद आ जाती है पोस्ट असेसमेंट, थर्ड टैब. यहाँ पे एक होता है क्विज, क्विज को आपने क्लिक करना है और जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर. अच्छा जी, आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं. ठीक है जी, सेल्स हैं. मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करके लगा देता हूँ. और अगला क्वेश्चन इज नीडेड टू मेंटेन होमोस्टेटिक्स. ठीक है जी, पता नहीं है, जो भी है मैंने नहीं पढ़ी हुई, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. ठीक है जी, वाटर लगा के बाद हमें ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन ठीक हो गए हैं. अब क्या करना है कि आपने रीटेक नहीं करना, आपने यहाँ से बंद कर देना है इसको. जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो थर्ड टैब है वो कंप्लीट हो गया. इसका मतलब ये था कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि तीनों के तीनों टैब आपने कंप्लीट करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं. और अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ इस सब्जेक्ट के ऊपर तो फिर थोड़ी सी चेंज आपको नजर आएगी. यहाँ पे देखें कि ग्रीन टिक लग चुका है और अगला जो लेसन है लेसन नंबर 2 वो अब हम देख सकते हैं. इसी तरह जैसे हमने ये फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट करेंगे तो थर्ड भी आ जाएगा. और फर्स्ट वीक कंप्लीट होने वाला है तो ये 11 लेसन आपको जल्द अज जल्द एक आधे दिन में कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि सेकंड वीक जो है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगा. अगर छुट्टियां निकाल दी जाए 5 तो कल या परसों सेकंड वीक स्टार्ट हो जाएगा. अब चलते हैं बैक. वीडियो हमने देख ली BIF. अगर हम बायो 401 की वीडियोस देखना चाहें वो भी इसी तरह क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको क्लिक करेंगे नाम को. तो जो वीडियोस देखना लाजमी होती हैं उनके नीचे ऊपर यहाँ पे नॉट म्यूट आ जाता है. तो बाकी तो जाहिर है आपने सारी देखनी है, सारी देखेंगे तो फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और इस तरह ये वीडियोस आप सेकंड भी कंप्लीट कर सकते हैं. अगर इसमें से कुछ आपने पूछना हो जो ये पढ़ा रहे हैं तो फिर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वो यहीं पे आपको आंसर दे देंगे. Using the data तो इस तरह मैं आपको अब बैक ले चल रहा हूँ. बी ए ये दोनों सब्जेक्ट तो आपने देख लिए कि अटेंडेंस इसके वीडियोस किस तरह देखने हैं. तो हमारा जो टॉपिक था कि वीडियो लेसन किस तरह देखने हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब आ जाए हैंडआउट्स, यानी कि अब हमें पीडीएफ फाइल्स वगैरह चाहिए, किताबें चाहिए, तो फिर आपने किस तरह डाउनलोड करनी है. वो डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करेंगे. ये नाम को मैंने BIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइनफॉर्मेटिक्स इसको क्लिक किया. इसको क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आपके इंस्ट्रक्टर का नाम, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये यहाँ पे एक BIF 101 फुल कोर्स हैंडआउट कंप्लीट यहाँ पे आपको एक अवेलेबल है, पूरी बुक. ठीक है, अगर आप लेक्चर वाइज देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये एक फाइल पड़ी है, इसमें से 1 से 15 लेक्चर्स तक हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट पड़ी है 25 से 35 है, 36 से 40, 41 से 45, इस तरह करके यहाँ पे लेसन पड़े हुए हैं. लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ से एक बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो BIF कोर्स हैंडआउट. यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो मैंने BIF 101 की जो हैंडआउट्स है ना उसको डाउनलोड पे लगाया था, तो ये फुल बुक आपकी डाउनलोड हो चुकी है. ये कंप्लीट बुक है आपकी, इसी में से आपका सारा पेपर बनना होता है और इसी में से MCQs ATC सारी की सारी चीजें आ जाती हैं. तो इस तरह तो एक चीज और भी हमारी क्लियर होगी कि आपने जो हैंडआउट्स लेने हैं ना वो किस तरह है. मैं आपको ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बाज़ू का स्टूडेंट फिर भूल जाते हैं कि आपने, मैं बैक इसका प्रोसेस करता हूँ. बैक बटन, किसी भी बुक को आपने डाउनलोड करना है, ठीक है ना, उसके नाम को क्लिक करें. नाम को क्लिक करने के बाद इस साइट के ऊपर आपने आना है. ये तो लेसन इंडेक्स है ना, इस सब पे साइड नहीं, इस साइट के ऊपर. और यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल्स में जाना है. ठीक है, बुक्स भी होंगी, डाउनलोड भी सिर्फ लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन आपने
डाउनलोड फाइल्स को क्लिक करना। उसमें से आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, आपने पढ़ लेना है कि ये क्या क्या फाइल है। यहाँ पे लेसन वाइज भी है, मतलब 10-10, 12-12 लेसन भी हैं और एक जगह पे इकट्ठी फाइल भी लिखी हुई है और उसके साथ मेंशन होता है कि हैंड आउट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। इस तरह आप सारी जो बुक्स हैं वो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में संभाल के रख लें, उनके एक अलग से फोल्डर बना के हर फोल्डर में उसका जो रीडिंग डाटा है वो सारा आपका पड़ा हो। अब आ जाए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अटेंडेंस मेथड। ठीक है, ये बड़ा आपने गौर से देखना है कि इसको कैसे देखा जाता है। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे प्रोग्रेस, ठीक है, इस साइड के अंदर प्रोग्रेस में। ठीक है, अब यहाँ पे BIF लिखा हुआ है और उसके बाद ये जो सारी चीजें ना इसी एक सब्जेक्ट की हैं, लेकिन यहाँ पे आगे देखें तो और भी सब्जेक्ट बाकी बच रहे हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे इस BIF 101 में वीक वाइज अटेंडेंस। तो अभी हमने लेक्चर्स कुछ देखे हैं तो उसके सामने प्रेजेंट आ गया है, लेकिन अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे अब्सेंट लिखा हुआ जाएगा। इसका मतलब है कि BIF 101 के तो लेसन देखने, वीडियो देखना लाजमी है। ये कोर्स सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी ने कुछ और सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं तो वो फिर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसी तरह चेक कर सकता है। BIF 401 में देखते हैं क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आपने अपने कंसेप्ट के लिए देखनी है, लेकिन अटेंडेंस के लिहाज से देखना यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। CS 101 यहाँ पे भी आपने वीडियो इसके देखने हैं, देखे यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं देखा गया तो यहाँ पे अब्सेंट लगा हुआ है। अब्सेंट को प्रेजेंट में चेंज करने के लिए आपको CS 101 के वीक वन के सारे जो वीडियोज हैं वो देखना पड़ेंगे। MTH यहाँ पे भी अटेंडेंस के लिहाज से वो जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिहाज से देखना जरूरी है। VU 001 ये तो है ही जरूरी ना, हर लिहाज से इसकी वीडियोज आपने 2 दिनों में देख के इसको साइड पे कर दें। उसके बाद ZOO 101 बायोलॉजिकल टेक्निक है, इसमें भी वीडियोज अटेंडेंस के लिहाज से देखना जरूरी नहीं है। तो बाकी इस तरह आपको पता चल गया कि जहाँ पे ये बना हुआ है कि वीक वाइज अटेंडेंस लिखा हुआ वीक है, यहाँ पे अटेंडेंस है, प्रेजेंट एब्सेंट है, वो वीडियोस आपने देखनी लाजमी है। ठीक है, अटेंडेंस हो गया। अब सिलेबस के लिए सिंपल होम पेज के ऊपर जाएं। टोटल हर बुक को 15 हफ्तों या 16 हफ्तों में डिवाइड किया होता है, ये वीक वन है। उसके बाद यहाँ देखें कि वीक 16 वीक यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कम से कम 8 वीक के बाद आपका जो है मिड टर्म आ जाता है और 16 वीक के बाद आपका फाइनल टर्म आ जाता है। इस तरह ये जो सेकंड वीक है, जैसे ही सेकंड या थर्ड वीक स्टार्ट होगा आपके असाइनमेंट क्विज आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे का सारा सिलेबस है, और जब एग्जाम्स आता है उसमें कितना सिलेबस शामिल होता है वो फिर आपके जो ये प्रोफेसर हैं ये फिर यहाँ अनाउंसमेंट में आपको बता देते हैं। इस तरह सिलेबस का आपको क्लियर हो गया। अब आ जाए एग्जाम फिर आपको जैसे बताया है कि आपका जब 8 हफ्ते कम्प्लीट हो जाएंगे तो फिर आपके एग्जाम होंगे, 16 हफ्ते के बाद आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। एग्जाम होते किस तरह है वो एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और पहले की भी हुई है। असाइनमेंट क्विज थर्ड वीक में, जैसे ही थर्ड वीक स्टार्ट होगा आपके असाइनमेंट क्विज आना शुरू हो जाएंगे और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। यहाँ पे पहले अनाउंसमेंट आती है और फिर यहाँ पे उसकी असाइनमेंट आती है। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि फर्स्ट वीक है, तो थर्ड वीक में इंशाल्लाह ये मई का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपके लिए असाइनमेंट क्विज आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो किस तरह करनी है वो सारी की सारी वीडियोज आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद आपको जो चीजें ढूंढनी है ना उसको कैटेगरी वाइज वो फिर आप ढूंढ सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, GDB है, उसके बाद एग्जाम्स हैं, ये सारी चीजें आपको, असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट है ग्रेडिंग स्कीम, हर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम को किस तरह चेक करना है, यानी नंबरों की डिवीजन किस तरह की जाती है, आपने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है। और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे हमने डाउनलोड फाइल किया था, इसके बाद भी कुछ ऑप्शन आ सकते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, लेकिन आपने क्या करना है असेसमेंट स्कीम को क्लिक करना है। अभी आई नहीं है, लेकिन जैसे ही चंद दिन तक ये भी अपडेट कर दिया जाएगा। इस सेमेस्टर में जो डिवीजन है मार्क्स की, असाइनमेंट क्विज, मिड टर्म, फाइनल टर्म, वो फिर यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, आप फिर यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जो हमारे टॉपिक्स थे वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी मसला हो तो फिर वीडियोस के लास्ट में वीडियो में जो मैं आपको लोड करता हूँ नंबर में अपना लाजमी शेयर कर देता हूँ हर किसी के साथ, आप मेरे नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप मुझे, आपके पास जो नंबर होता है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर एक कम्प्लीट वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है कि जो वीडियोस है वो आपको समझ आ गई होगी और जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे कवर हो गए होंगे। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ भी पूछना हो कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।